कि 2021 से लेकर 22 तक जो उनके आलिशान महल के निर्माण की जो फाइल है अब वो भी गुम हो गई। रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक आलिशान बंगला बनाया। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इस शाम के एपिसोड को हम लेकर आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर हमारा वही मुद्दा है जो आजकल लगातार ट्रेंड कर रहा है। हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की, जिसकी चर्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया, जुबानी मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है, जमीन से लेकर आसमान तक। हिंदुस्तान में अगर किसी की चर्चा है, किसी की बातें हो रही हैं, तो वो बातें हो रही हैं अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इनके शीश महल की। शीश महल की जब बातें लोगों के जहन में जब धीरे धीरे जा रही है तो लोग अवाक रह जा रहे हैं। आज मैं ग्राउंड में लोगों से काफी बातें कर रहा था, अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी स्वच्छता के डाई हार्ट फैन थे। जब उनके बारे में ये सब चीजें बता रहा था तो अवाक रह जा रहे थे, वो बिलीव नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे आप मोदी जी के धूर समर्थक हैं, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और अरविंद केजरीवाल के बारे में ये सब बातें आ रही हैं तो विश्वास करने को कतई तैयार नहीं है। मतलब इस तरह का चूर्ण लोगों में अरविंद केजरीवाल ने बांट दिया था। तो अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि अब एलजी साहब ने परिस्थितियों को देख रहे हैं, भाप रहे हैं। तो एलजी साहब कह रहे हैं कि सारे जो जरूरी दस्तावेज हैं सबको इकट्ठा किया जाए, सारे दस्तावेज कस्टडी के लिए जाए और 15 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट जो है सौंपी जाए। और एलजी साहब ने कहा है कि मामले को की जांच की जाए, जांच का उन्होंने आदेश दे दिया है। और अरविंद केजरीवाल के शीश महल को चमकाने में जो 45 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं उसकी जांच की जाए। कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, और एक हफ्ते से जो इंटरनेट मीडिया में और मेन फ्रंट मीडिया में जो बातें चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं उसका असलियत क्या है इनको बताया जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को चमकाने के लिए 45 करोड़ रुपए फूंक दिए। समझ लीजिए, जिस दिल्ली में मैं वही बातें कर रहा हूं जो हर एपिसोड में कहता था, अरविंद केजरीवाल जो अपनी ईमानदारी को लेकर कसीदे पढ़ते थे, अपनी ईमानदारी को लेकर तमाम बातें करते थे, कहते थे अपने बच्चे का मैं कसम खा के कहता हूं मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मोटर नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, वो तमाम सुख सुविधाएं नहीं लेंगे जो एक राजनेता लेता है। कहते थे हम आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, हम आम आदमी के नेता हैं, तो हमें ये सब नहीं लेना है। तो समझ लीजिए वो आम आदमी सरकार, वो अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को चमकाने के लिए 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि मामले में जुड़े दस्तावेजों को अपने संरक्षण में ले लें और सभी जो दस्तावेज हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश किया जाए। खबर आई थी कि 2021 से लेकर 22 तक जो उनके आलिशान महल के निर्माण की जो फाइल है अब वो भी गुम हो गई है। बिल्कुल जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर बात हो रही है, जिसको लेकर तमाम कहानियां लिखी जा रही हैं, दस्तावेज तो गायब होना ही था। ये होते रहता है, सबके साथ होता है, जब लोगों पर तलवार लटकती है तो फाइलें तो गुम होती ही रहती है। अरविंद केजरीवाल के आवास के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सिविल लाइन में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित दफ्तर को लेकर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं। तो केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि भैया कौन नहीं चाहता है उसका दफ्तर बढ़िया हो, कुछ नहीं अपना घर बना रहे, अपना दफ्तर बना रहे,
एक पार्टी चलाते हैं, दफ्तर तो होना आवश्यक है, लेकिन उनके दफ्तर में भी अब भ्रष्टाचार का जिन जो है आकर बैठ गया है, अब उन्हें सताने लग गया है। एलजी साहब इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और इस रिपोर्ट को प्रिवेंटिव कस्टडी के लिए जाने का आदेश दिया है। सभी रिपोर्ट की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन तमाम बातों को होने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब की मुश्किलें भी बढ़ गई। अब हर तरफ इनकी आलोचना हो रही है। ऐसी कहानियां होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जब मुद्दे ताड़ते रहते हैं, लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ते रहते हैं और सबको ईमानदार करप्ट होने का जो सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, तो अब भाजपा ने भी कहा है कि अब उन पर जांच होनी चाहिए। अगर नैतिकता यही है कि उन्हें सीएम पद पर बने नहीं रहना चाहिए। दिल्ली भाजपा ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अब अरविंद केजरीवाल को कहा है कि महाराज अब आप सीएम बने रहने के काबिल नहीं है, अब उन्हें जनता को जवाब देना होगा। दिल्ली भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास के साज सज्जा पर करोड़ों रुपए लुटा दिए हैं। जिस जनता को अच्छा पानी नहीं मिलता है, जिस जनता को शुद्ध पानी नहीं मिलता है, उस सूबे का जो मुखिया है वो 45 करोड़ रुपए बंगले में खर्च कर देता है। इटली से मार्बल मंगाते हैं जी, और हमारे देश में जो ताजमहल बना है वो मकराना मार्बल है। इटली से मंगाते हैं मार्बल, सफेद मार्बल चमकाने के लिए, उसमें करोड़ रुपए खर्च किए। पर्दा मंगाए, पर्दा में करोड़ों खर्च किए। जो कबोट जिस पर बैठ कर वो नित्य कर्म करेंगे उसमें भी लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो समझ लीजिए किचन के उपकरण जो लगाए गए हैं उसमें खर्च कर दिए। टीवी जो मंगाए हैं लगाने के लिए उसमें भी लाखों रुपए खर्च किए। हर तरफ जो है बस गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल वाली कहानी ही नजर आ रही है। सिविल लाइन के फ्लैग स्टाफ में के आसपास जो उनका सरकारी बंगला है वो तकरीबन था 4.7 एकड़ में। इसे अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाकर 7.3 एकड़ करने का निर्णय लिया है। उसके अगल बगल जो हरित क्षेत्र थी, जो हरियाली थी, जो पेड़ पौधे थे, उसे भी उन्होंने छटवा दिया, वो भी खत्म हो गया। इसकी भी चर्चा है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रही है, हर तरफ बातें हो रही है, हर तरफ इसकी कहानी हो रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब दिल्ली में डीएमआरसी के विस्तार की बातें हो रही थी, तब यही अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले इनके नेतागण थे, पर्यावरण का हवाला देकर कहते थे नहीं, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली में हालात काफी खराब हो जाते हैं, दिल्ली में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं जब हरियाणा पंजाब में पराली जलती है, तो पेड़ काटने नहीं दिया। और जहां पे इनका सरकारी बंगला था जो होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उस सरकारी बंगले के रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक आलिशान बंगला बनाया उसके रहते हुए। और पहले बात कर लें जो पेड़ वाली बात है, तो पेड़ तो कटने नहीं दिया, लेकिन अपने हाँ अपने शीश महल को बनाने के लिए उन्हें हजारों जो पेड़ जितने पेड़ थे काट दिए, उनके आसपास की जो हरियाली है वो खत्म हो गई। और भैया कह रहे थे कि जो बंगला बनाया है इसलिए कहा कि जो बंगला था वो 70-80 वर्ष पुराना था, उनके राघव चड्ढा साहब बोल रहे थे, और जो बंगला है वो करीब आजादी के समकालीन था, तो बंगला पुराना हो गया, चूता था, माई बाप थे उनके, माई बाप बुजुर्ग थे और काफी परेशानी होती थी, इसलिए क्या किया नया बंगला बनाया। इनका बंगला चूता था, तो भैया अगर चूता था, आप मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे सरकारी बंगले थे या किराए पे चले जाते, तो उसके लिए आप एक शीश महल बनाइएगा, उसके लिए शीश महल बनाइएगा। अब दिल्ली के आदमी को शुद्ध जल पीने को नहीं मुहैया करा पाते और अपने लिए शीश महल बना रहे हैं, शीश महल की कहानी गढ़ रहे हैं, शीश महल का चरित्र बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट दिए, उसको लेकर कोई पर्यावरण वाला नहीं आया, कोई पर्यावरण को लेकर छाती पीटने वाले लोग नहीं आए। यही फलाना दिल्ली में किसी कार के कार्यान्वयन के लिए जब लोग आएंगे तो यही आ जाएंगे, पर्यावरण गैंग बैठ जाएंगे, कहेंगे कि भैया दिल्ली में इतने पेड़ काट दिए गए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट था तो वहां पर भी जो उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय और उनके जो बहुत सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, भारद्वाज जी जैसे लोग हैं,
और संजय सिंह जैसे लोग हैं वो छाती पीटने लगे, इतने पेड़ काट दिया, इतना पेड़ काट दिया, इतना पेड़ काट दिया। और सभी जो पेड़ हैं, आपको बताना चाहूंगा, सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बना है, सभी पेड़ को डिस्प्लेस किया गया है, उस जगह से दूसरी जगह घसकाया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इनकी तरह नहीं है कि चोरी छुपे जो है पेड़ काट दिए, किसी को बताई भी नहीं किए, और कोई पर्यावरण का ठेकेदार नजर नहीं आया, कोई पर्यावरण के जानकार नजर नहीं आया। यही तो कहानी है, यही तो चरित्र है जो बार बार यहाँ पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। इस आवास में पर्दे ऐसे लगे हैं कि जिनकी डिजाइनिंग ही 8 लाख की है। जी हाँ, 8 लाख का पर्दा। यह आदमी जो है अपने घर में कितना का पर्दा लगाता होगा, 8 लाख का पर्दा लगाया है। जमीन पर मार्बल लगाया है जिसकी कीमत 3 करोड़। और एक जो है स्विमिंग पूल बनी है एकदम मालदीप वाला स्टाइल में, जहां लोग जाते हैं छुट्टियां मनाते हैं, एकदम ऊ वाला स्टाइल में स्विमिंग पूल बना है। और सुना है कि बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, बैडमिंटन कोर्ट ही बनाया है वहां पे टक 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 खेलने के लिए। हर चीज लगाई गई है जो महंगी है, हर चीज है जिसके बारे में आम आदमी, हम लोकल आदमी, हम जैसे मामूली यूट्यूबर सोच भी नहीं सकते। कह सकते हैं पूरी कहानी आने के बाद जनाब क्या से क्या हो गया देखते देखते। और साज सज्जा, रूप सज्जा, डेंटिंग पेंटिंग में केजरीवाल साहब ने 45 करोड़ रुपया जो है उड़ा दिया, 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा हो रही है, कहानी हो रही है, कोई फलाना नेता होता, फलाना पार्टी का नेता होता, अगर उसकी कारगुजारी ऐसी सामने आई होती तो अभी अरविंद केजरीवाल जो होते बोलते दिल्ली आकर देखो, दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भैया ये तो केजरीवाल जो है वो तो भ्रष्टाचार के जो है उस्ताद निकले हैं, भ्रष्टाचार के उस्ताद निकले केजरीवाल। कहां गया उनका वो छवि, कहां गया वो किरदार, कहां गया उनका। जो मैं हर वीडियो बनाता हूं उसमें मैं ये बातें जरूर चर्चा करता हूं कि अपने बेटे का कसम खा के कहता हूं मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री बनने के भी सपने देखते हैं और कहानी सुनाते हैं अपने विधानसभा में एक चौथी पास नेता का। और जाहिर सी बात है मोदी साहब पर आक्षेप लगाते हैं, मोदी साहब को गरियाते हैं, चौथी पास नेता की कहानी वो अपने विधानसभा में सुनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहें कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बोलेंगे गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इनके नेता भी वही बात कहते हैं क्या से क्या हो गया देखते देखते। सुनने को आ रहा है कि शराब घोटाले में इनका चिकना है राघव चड्ढा, उस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी इसमें फंसता नजर आ रहा है। भाई क्या कहें, सब बराबर है, सब धूल दूसरी तरह, सबका एक ही कहानी है। अब इनके ही नेत्री हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, आतिशी मार लेना, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही नजर आती है, सब दस का दस है, सारी कहानी जो है वो धूल दूसरी ही नजर आ रही है। अब देखिए एलजी साहब क्या करते हैं, जांच के तो आदेश दे दिए हैं, जांच की कहानी की बात तो कह दिए, अब केजरीवाल साहब का क्या होता है, अब केजरीवाल की कहानी में क्या नया आयाम जुड़ता है, अब केजरीवाल साहब का क्या क्या होता है, ये देखने और सोचने और समझने वाली बात होगी। अब एलजी के हाथ में चला गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास, अब देखते हैं क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते, अब केजरीवाल का क्या से क्या हो गया देखते देखते। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ, तो फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।